Hello students, today we will read lesson 9 of English, singular and plural. आप पहले ही first class में ये पढ़ चुके हैं और हिंदी में भी आप जो एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं उसको English में singular and plural कहते हैं. Singular, a noun that denotes one person or thing is said to be singular in number. एक ऐसा noun जो कि सिर्फ एक इंसान या एक ही वस्तु की बात करता है उसे हम singular कहते हैं. For example, boy, toy, cap, etc. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि boy मतलब एक लड़का, एक toy और एक cap. तो जो चीज़ हमें one number में denote करती है तो उसे हम singular कहते हैं. A noun that denotes more than one person or thing is said to be plural in number. और एक ऐसा noun जो कि हमें बताता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं या एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो उसे हम कहते हैं plural. For example, boys, toys, caps, etc. तो boys मतलब बहुत सारे लड़के, बहुत सारे toys और बहुत सारी caps. तो जो one denote करता है, एक person या thing को denote करता है उसको हम singular यानी कि एक वचन बोलते हैं, और जो एक से ज़्यादा person या things को denote करता है उसको plural या फिर बहुवचन कहते हैं. हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल के. दिस इज अ बॉय, एक लड़का है. एंड दीज आर बॉयज, एक से ज्यादा लड़के हैं. दिस इज अ टॉय, ये एक खिलौना है. दीज आर टॉयज, ये एक से ज्यादा खिलौने हैं. दिस इज अ कैप, ये एक टोपी है. दीज आर कैप्स, तो ये एक से ज्यादा टोपियां हैं. तो जो वन नंबर हमको डिनोट कर रहा है, बॉय, टॉय, कैप, वो सिंगुलर में आता है. एंड जो एक से ज्यादा हमें डिनोट कर रहा है नंबर्स में, बॉयज, टॉयज, कैप्स, वो आता है प्लूरल में. तो अब हम जानते हैं कि हम सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बाय एडिंग एस. पहला रूल तो ये है कि जो भी आपको नाउन दिया गया है उसके पीछे आप एस लगा दो तो वो सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज, कप, कप्स, टब, टब्स, गर्ल, गर्ल्स, टॉय, टॉयज, कार, कार्स, टिन, टिन्स, रैट, रैट्स, डोर, डोर्स, काउ, काउस, चेयर, चेयर्स, ट्री, ट्रीज, आई, आईज, बर्ड, बर्ड्स, फ्लैग, फ्लैग्स, टेबल, टेबल्स, बॉल, बॉल्स, रिंग, रिंग्स, डॉल, डॉल्स, पेंसिल, पेंसिल्स. तो हमने नाउन के पीछे एस लगा दिया तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया. नाउ सेकंड रूल इज बाय एडिंग ई एस. अब जो नाउन है उसमें ई एस ऐड करके हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ब्रश, ब्रशेस, ब्रांच, ब्रांचेस, टॉर्च, टॉर्चेस, ड्रेस, ड्रेसेस, वॉच, वॉचेस, इंच, इंचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, बस, बसेस, पोटैटो, पोटैटोस, टमेटो, टमेटोस. तो हमने नाउन में ई एस को ऐड कर दिया तो वो प्लूरल फॉर्म बन गया. नाउ थर्ड रूल इज बाय एडिंग आई ई एस. वाई, जिस नाउन के लास्ट में वाई है उस वाई को हटा के हम आई ई एस लगा देंगे तो भी वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, फ्लाई, फ्लाइज, बॉडी, बॉडीज, बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज, लेडी, लेडीज, फेरी, फेरीज, चेरी, चेरीज, करी, करीज, डेरी, डेरीज, हॉबी, हॉबीज. नाउ फोर्थ रूल इज बाय एडिंग वी ई एस. जिस नाउन के लास्ट में एफ होता है या एफ ई होता है उसके उसको एफ हटा के हम वी ई एस कर देते हैं तो वो सिंगुलर नाउन प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, काफ, काल्स, लाइव, लाइव्स, वॉल्फ, वॉल्स, थीफ, थीव्स, शेल्फ, शेल्स, वाइफ, वाइव्स, नाइफ, नाइव्स, हाफ, हाफ्स. तो इन चार रूल्स से हम किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से नाउन में कौन सा रूल अप्लाई होता है तो उससे आप बिल्कुल सही तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ ओरल एक्सरसाइज, स्पीक द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर हमें जो वर्ड्स दे के रखे हैं सिंगुलर वर्ड्स उनके हमको प्लूरल बोलने हैं. तो बॉय, बॉयज, काउ, काउज, फ्लाई, फ्लाइज, आई, आईज, रैट, रैट्स, वॉच, वॉचेस, बॉडी, बॉडीज,
chair, chairs, table, tables, potato, potatoes, branch, branches, flag, flags. Now speak the singular of the following. यहाँ पर हमको plural form देके रखा है noun का, हमें इसको singular में change करना है. Knives, knife, torches, torch, shelves, shelf, walls, wall, pencils, pencil, foxes, fox, wives, wife, ladies, lady, hobbies, hobby, house, half, lives, life, branches, branch. Now written exercise. Change into plural by adding s. हमको यहाँ पर जो words देके रखे हैं, noun देके रखे हैं, उनको हमको plural में change करना है s लगा के, last में s लगा के. तो जितने भी nouns हैं उनके last में आपको बस s लगा के दोबारा लिखना है. जैसे tree का trees, ring का rings, girl का girls, door का doors, doll का dolls, table का tables, eye का eyes, chair का chairs, tub का tubs, tin, tins, bird, birds, rat, rats, flag, flags, car, cars, toy, toys. तो आपको बस लास्ट में एस लगा के इनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंगुलर और प्लूरल. यहाँ पर हमको जो सिंगुलर दे के रखे हैं उनके ऑपोजिट हमको प्लूरल लिखना है, और जो प्लूरल दे के रखे हैं उनके ऑपोजिट हमको सिंगुलर लिखना है. काउ, काउस, शेल्फ, शेल्स, डॉल, डॉल्स, चेयर, चेयर्स, बॉय, बॉयज, वाइफ, वाइव्स, बस, बसेस, करीज, करी, ट्री, ट्रीज, नाइफ, नाइव्स, चेरी, चेरीज, बॉल्स, बॉल, टमेटो, टमेटोस, बेबीज, बेबीज, रैट, रैट्स, टॉर्च, टॉर्चेस, फेरी, फेरीज, हॉबीज, हॉबी, लेडी, लेडीज, पेंसिल, पेंसिल्स. नाउ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लूरल फॉर्म. यहाँ पर हमको सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंसेस दे के रखे हैं, आपको ये सेंटेंस फिर से लिखना है प्लूरल में कन्वर्ट करके. तो रोज इज रेड, तो रोज का क्या हो जाएगा, रोजेज. और जब ज्यादा रोजेज है तो इसका भी आर हो जाएगा, तो रोजेज आर रेड. बॉय इज प्लेइंग, तो बॉयज आर प्लेइंग. आई रीड द बुक्स, तो आई का हो जाएगा वी, हम. तो वी रीड द बुक का हो जाएगा बुक्स, वी रीड द बुक्स. मैंगो इज स्वीट, तो मैंगोज आर स्वीट. गर्ल इज मेकिंग डॉल, तो गर्ल्स आर मेकिंग डॉल्स. तो जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो इज का आर हो जाता है.